नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र चंद्रकला। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लगातार जल योद्धाओं से बात करते हैं और आपसे उनकी बात करवाते हैं, जिससे कि आप भी जाने कि जल संरक्षण में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है। और आज हम हमारे जल योद्धा हैं जिनसे हम आपकी बात करवाने वाले हैं, जिनका परिचय मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर से बता दूं। हमारे साथ हैं श्री पुलकित खरे जी, जो कि लखनऊ से हैं और विशेष सचिव हैं नियोजन उत्तर प्रदेश शासन में। और जिस विषय पे आज हम बात करेंगे पुलकित जी से, वो है उद्गम स्थल पर मां गोमती का पुनर्जीवीकरण। और ये भी बता दो कि आज हम लगातार 183वीं यानी कि 183 आज उसकी कड़ी का नंबर है, यानी इतने दिन से लगातार हम आपके अलग अलग जल योद्धाओं से, अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट से हम बात कर रहे हैं और जानते हैं पूरे देश में किस तरह से जल संरक्षण के लिए कार्य चल रहा है। तो पुलकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की ना टूटे लड़ी में। धन्यवाद शोभित जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप एक प्रशासनिक सेवा में होकर नदियों के संरक्षण से आप कैसे जुड़े? देखिए, ये बात हम सभी समझते हैं कि अगर भविष्य के लिए कुछ करना है और जीवन को संरक्षित आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करना है, तो नदियों की ओर, जल की ओर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जहाँ पे भी हमारी तैनाती हो, जिस जनपद में तैनाती हो, वहाँ पे ना केवल लोगों को जागरूक करें, बल्कि यदि संभव हो तो संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण है, नदियों का पुनर्जीवन है, इसके क्षेत्र में जो भी योगदान दे सके। तो जहाँ जहाँ मेरी तैनाती रही है वहाँ पे प्रयास यही रहा है कि इस दिशा में कुछ काम किया जा सके। जी, इसी कड़ी में आपसे सर ये दूसरा सवाल आपसे है कि आप पीलीभीत जनपद की सीमा में प्रवाहित 47 किलोमीटर गोमती के पुनरुद्धार हेतु संचालित 51 दिवसीय गोमती पुनरुद्धार महाअभियान के नायक रहे हैं, उस बारे में सर हमें कुछ बताएं। देखिए, जनपद पीलीभीत में जब मैंने योगदान दिया था तब ये जानकारी हुई थी कि गोमती नदी, जिसका महत्व हम सब समझते हैं, हमारा अपना लखनऊ शहर उस गोमती के तट पे बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त 20 अन्य महानगर भी जो है वो गोमती के तट पे बसे हैं। छोटे बड़े शहरों को पीने का पानी भी गोमती से मिलता है। तो उस गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील, जो माधव डांडा एक क्षेत्र पड़ता है पीलीभीत में, वहां पड़ता है। तो उत्सुकतावश मेरा वहां जाना हुआ जब मैं पीलीभीत में जिलाधिकारी के रूप में था। वहां जाके मैंने देखा कि जो उद्गम स्थल है वहां पे झील तो है, लेकिन उसके बाद माँ गोमती का अस्तित्व उस क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लगभग 47 किलोमीटर की यात्रा माँ गोमती जनपद पीलीभीत में करती है और उसके बाद वह जनपद शाहजहांपुर में प्रवेश करती है। पर जब इस 47 किलोमीटर को मेरा देखना हुआ तो ये पाया गया कि एक नदी का अस्तित्व जैसा होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे कब्जे हो रखे थे उसके ऊपर, वहाँ पे कई प्रकार की घास उग गई थी, सिल्ट बहुत बड़ी हुई थी। तो एक धारा प्रवाह जो हम अपेक्षा करते हैं वो वहाँ पे नहीं थी। तो उसके बाद ये योजना बनाएगी कि किस प्रकार से इसके ऊपर काम करा जाए, इस नदी को इसके उद्गम स्थल से लेके कम से कम अपने जनपद की सीमा तक पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी समझा गया। जब ये योजना बनी तो सबसे पहले जो वहाँ के गांव वाले थे उनको जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास करा। ये 47 किलोमीटर की धारा 16 ग्राम पंचायतों से होकर जाती थी। तो सबसे पहले मेरे द्वारा इन सभी ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान भाइयों से बात करी गई, इन सभी गांव में जाके चौपालें करी गई और सबसे पहले लोगों को इस पूरे जो हम लोग कार्यक्रम करने वाले थे पुनर्जीवन का, इसका उद्देश्य समझाया गया। ये आवश्यक इसलिए था क्योंकि जब तक हम लोगों को जोड़ेंगे नहीं, जब तक लोगों में ये बोध नहीं आएगा कि नदी को पुनर्जीवित बरकरार रखना जरूरी है, तब तक ये प्रोजेक्ट आगे चल नहीं पाएगा, उसकी निरंतरता नहीं बनी रहेगी। तो निरंतरता बनी रहे इसके लोगों को जोड़ना सबसे जरूरी था। उसके बाद मनरेगा योजना की मदद ली गई और अगले 51 दिन तक औसतन 2800 मजदूरों ने लगातार इसके ऊपर काम करा। दो शिफ्ट में हम लोग काम करते थे, श्रमिकों को हमने दो शिफ्ट में विभाजित करा था और सुबह से लेके देर शाम तक इसमें काम होता था। हम लोगों ने कुछ विशेषज्ञों की भी मदद ली, हाइड्रोलॉजिस्ट थे कुछ, उनसे हमने सुझाव लिए कि किस प्रकार नदी का स्लोप हम लोग ठीक कर सकते हैं,
किस प्रकार के पेड़ पौधों को हमें नदी के तटों पर लगाना चाहिए, नदी से जो सिल्ट निकल रही है उसका हम लोग कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, आसपास के किसानों को हम लोग जहाँ पे जमीन की उर्वरकता अच्छी नहीं है वहाँ पे हमें सिल्ट पहुँचाई जा सकती है, किस प्रकार के जीव जंतु इस नदी में यदि रहेंगे तो उसका प्रवाह बना रहेगा, तो इस प्रकार की कई बारीकियों पे हम लोगों ने विषय विशेषज्ञों के साथ अधिकारियों के साथ काम करा और लगातार 51 दिन तक जब ये काम चला है तो उसके बाद हम लोग नदी को पुनर्जीवित रूप में ला पाए। सर एक सवाल और जहन में आता है कि आपने सही नदी और गोमती नदी दोनों के संरक्षण पर काम किया है, सर कौन सा प्रोजेक्ट अधिक सफल रहा और क्यों? देखिए जब मैं हरदोई जनपद में था तो मुझे मौका मिला कि सही नदी के पुनर्जीवन पे काम कर सके और पीलीभीत जनपद में जाके गोमती पे काम करने का मौका मिला। मैं कहूंगा कि सही नदी पे जब हम लोग काम कर रहे थे वो मेरा पहला अनुभव था, पहला प्रयास था, तो एक बड़ी कमी जो हम लोगों ने देखी कि हम लोग वहाँ पे लोगों को उतना नहीं जोड़ पाए थे, तो इस अनुभव के साथ हम लोगों ने गोमती पे जब काम शुरू करा तो सबसे पहला प्रयास यही था कि लोगों को उसका महत्व समझाया जाए, तो गोमती में पे जो हम लोग काम कर रहे थे तो ना केवल हमने नदी को पुनर्जीवित करा, हमने नदी किनारे घाट भी बनवाए, हर 16 ग्राम पंचायत में एक एक घाट तैयार कराया और उन घाट पे सुबह का योगा और शाम की आरती ये भी शुरू कराया, तो जब लोग नदी से जुड़ जाते हैं समझते हैं कि न केवल उनकी फसलों के लिए बल्कि उनकी दैनिक जीवन के कई कार्यों के लिए भी वो नदी तक जा सकते हैं तो लोग उस प्रोजेक्ट की निरंतरता को समझते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ दोनों ही प्रोजेक्ट्स जरूरी थे, दोनों ही प्रोजेक्ट्स उस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी थे, सही नदी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित करा गया और गोमती नदी के ऊपर जब हमने काम करा तो UNDP के द्वारा हमें पुरस्कृत करा गया, पर पुरस्कारों से ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि वहाँ के लोगों ने इस चीज का महत्व समझा और वो लोग इसकी निरंतरता बनाने के लिए योगदान लगातार दे रहे हैं। जी सर बहुत बहुत पहले से शुभकामनाएं आपको, आपको बहुत सारा बधाई की, आपको पुरस्कार मिला। और एक बात और सर की अक्सर लोग कहते हैं कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, पर मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारी होने पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारी है और शासन स्तर पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद ये समय निकालते हैं और इन सब चीज़ों में आप काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं नदियों के संरक्षण में, पानी के संरक्षण में, बहुत अच्छा लगता है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा थोड़ा ही समय निकालते हैं आप। मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से वो जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से बस यही अपील करना चाहूंगा कि हम सब लोग अपने जीवन में अपने आज के लिए बहुत कार्य करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं अपने आज को बेहतर करने के लिए, लेकिन जल संरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आप अपना थोड़ा सा भी योगदान देंगे तो एक आपका योगदान आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट हम सबके सामने विकराल रूप ले सकता है और छोटा छोटा योगदान ही जुड़ के बहुत बड़ा हो जाता है। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पानी के अनावश्यक रूप से वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, कुछ नल हैं जो फालतू में चल रहे हैं जिनको बंद करा जा सकता है, कुछ आपके दैनिक जीवन में ऐसे कार्य होंगे जो कम पानी से करे जा सकते हैं, तो ये इस पे अगर आपका सिर्फ ध्यान रहेगा, आप अपने बच्चों को इसके बारे में सचेत करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें और जब वर्षा का समय हो तो हर बूंद को संरक्षित करने का प्रयास आदमी अपने छोटे स्तर पे कर सकता है, तो ये छोटे छोटे योगदानों से ही हम लोग एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत आभार, आपने हमें वक्त दिया और इसके साथ साथ आपने अपने अनुभव जो हमारे हमसे साझा किया, हमारे श्रोताओं से साझा किया, जरूर लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों के जरूर काम आएंगे। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थे पुलकित खरे, विशेष सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश शासन, जो कि जल संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें bknTL100@gmail.com इस मेल आईडी पर सूचित करें। मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।